दोस्तों नई नई गाड़ियों की लेटेस्ट वीडियो के लिए अभी दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल का आइकॉन भी तुरंत दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो सब। दोस्तों नमस्कार, वेलकम बैक। दोस्तों मारुति की ऑल्टो के बाद में अगर सबसे ज़्यादा कोई गाड़ी है जो पसंद की जाती है अपने स्पेस और पावर की वजह से तो निश्चित रूप से वह स्विफ्ट है, जो टॉप 10 में भी बनी रहती है, आपने देखा होगा हर मंथ के अंदर। और अब सबसे बड़ी खुशखबरी है कि मारुति अपनी इसी पॉपुलर गाड़ी स्विफ्ट का बिल्कुल ऑल न्यू वेरिएंट्स लाने वाला है, जो स्टाइल और लुक में तो न्यू होगा ही, साथ ही माइलेज भी ज़बरदस्त होगा, जो इससे पहले आपने नहीं देखा होगा। जी हाँ दोस्तों, हम बिल्कुल बात कर रहे हैं, अगर आप मारुति की स्विफ्ट करंट में रन करते हैं तो उसमें 22 के आसपास का ही माइलेज आता है, और वो भी आता है स्टैंडर्ड कंडीशन में। और अगर आप आफ्टर मार्केट उसमें सीएनजी भी इंस्टॉल करा लेते हैं तब भी आपको इतना ही माइलेज मिल पाता है, 24, 23, 20 के आसपास ही। लेकिन अब मारुति स्वयं अपग्रेड करने वाली है एक लेटेस्ट वर्जन में, और जिसका माइलेज होगा बहुत ही ज़बरदस्त, जिसके दो वर्जन बताए जा रहे हैं, जिनमें से एक होगा 48, दूसरा होगा 32। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में शेयर करने वाले हैं, तो फ्रेंड्स वीडियो कर दीजिए अभी से लाइक। और अगर आप मारुति की गाड़ियाँ पसंद करते हैं और आपके फ्रेंड्स परचेज करने का प्लान बना रहे हैं स्विफ्ट, तो बिल्कुल उनके लिए इन्फॉर्मेशन अभी से शेयर कर दीजिए, शेयर बटन को क्लिक करके या व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर आप शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, जो ऑल न्यू स्विफ्ट के बारे में है, पूरी तरह ऑल न्यू होने वाली है दोस्तों। और अभी इसे शोकेस भी कर दिया गया था, हालांकि 2020 में, अगर आपने हमारी चैनल पर वीडियो देखी होगी तो हमने इसकी एक शॉर्ट वीडियो आपके लिए अपलोड की थी ऑटो एक्सपो से, जहाँ की दोस्तों इसे शोकेश किया गया था। इसमें बिल्कुल ऑल न्यू सिस्टम होने वाला है, जिसका माइलेज भी निश्चित रूप से ज़बरदस्त होगा इस नए एडवांस सिस्टम की वजह से दोस्तों। और जहाँ तक बात है कि इसका माइलेज पहुँचेगा कम से कम 32 तक, यानी कि अगर आप करंट में सीएनजी भी रन कर रहे हैं दोस्तों तो उससे भी बहुत ज़्यादा माइलेज होने वाला है। हालाँकि इसका एक और वर्जन भी बताया जा रहा है जिसका माइलेज पॉसिबल है 48 या 38 तक भी जाए दोस्तों। तो हम फिलहाल बात करते हैं जो ऑटो एक्सपो में शोकेश की गई थी दोस्तों, इस गाड़ी के बारे में बताते हैं। और ये बिल्कुल आप देख रहे हैं स्टाइलिश लुक में होने वाली है गाड़ी, और करंट में ये अवेलेबल भी है, ऐसा नहीं है दोस्तों अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है, लेकिन फॉरेन में ये गाड़ी अवेलेबल हो चुकी है और वहाँ पर अच्छी सेल भी हो रही है दोस्तों। और ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट वीडियो है दोस्तों, विदाउट स्किप करें आपको वीडियो देखनी है दोस्तों। और ख़ास बात ये है कि ये बिल्कुल लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है स्विफ्ट के बारे में, फर्स्ट टाइम इन इंटरनेट दोस्तों। इसका बिल्कुल जो न्यू वर्जन आने वाला है दोस्तों वो होगा हाइब्रिड वर्जन, यानी कि जिसमें दो ऑप्शंस आएंगे। एक ऑप्शन होगा इसका 48 वोल्ट का माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम, और जिसमें मारुति ने यूज किया है ज़बरदस्त दोस्तों लिथियम आयन बैटरी को, जो बिल्कुल स्टार्ट हो, स्टॉप हो, टॉर्क असिस्ट हो या रीजनरेशन हो, जिसके द्वारा का हाइब्रिड सिस्टम काम करता है, अगर आप जानते हैं दोस्तों। लेकिन अभी भी करंट में मारुति की जो गाड़ियों में अवेलेबल है हाई फाई सेगमेंट की, वो बहुत ही आप कह सकते हैं स्टार्टिंग लेवल का है, तो उसमें इतना ज़्यादा आपको बेनिफिट नहीं मिल पाता है। लेकिन स्विफ्ट के लिए जो बिल्कुल नई इस गाड़ी पर मारुति ने एक्सपेरिमेंट किया है या इसे तैयार किया है, उसका माइलेज बहुत ही ज़बरदस्त निकल कर आ रहा है। और अब इसका प्लान है 2020 में ही ये गाड़ी आपको इंडिया में मिलने लगेगी। जहाँ तक इसके अन्य फीचर्स की भी बात कर लेते हैं दोस्तों, कि क्या फीचर्स ऐसा मिलेगा, क्या कुछ इसमें प्लस होने वाला है या क्या कुछ माइनस भी हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, माइनस कुछ नहीं होगा इसमें, आपको बहुत सारे फीचर्स अपग्रेड मिलेंगे, पावर लीक की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और जो लोग पसंद नहीं करते हैं अभी इलेक्ट्रिक गाड़ियां, उनके लिए बहुत ही बेटर ऑप्शन होने वाला है। साथ ही सबसे बड़ी समस्या से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा दोस्तों, जिसे आप कहते हैं सीएनजी, जो लाइन में आपको लगना पड़ता है और तब भी आप चेक कीजिए इतना माइलेज निकल कर नहीं आएगा जितना कि ऑल न्यू स्विफ्ट में आपको मिलने वाला है, 32, 38, 48 तक का माइलेज जो इसके वर्जन बाय जाएगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं 32 माइलेज वाली जो लेटेस्ट आने वाली है दोस्तों, इसमें आपको अन्य फीचर्स में मिलेगा 1.2 लीटर का ड्यूल जेट
12C इंजन मिलेगा दोस्तों, जो 6,100 RPM पर 89 BHP की पावर और 120 Nm का टॉर्क भी देगा। यानी जो हमने बोला पावर लीक की, तो कोई प्रॉब्लम की इसमें बात ही नहीं होने वाली है। और अगर आप पसंद करते हैं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, यानी कि स्विफ्ट में आप लेना चाहते हैं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, तब भी आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी, क्योंकि इसमें मिलेगा 5 स्पीड का AMT ट्रांसमिशन। 16 इंच के व्हील होंगे, हालांकि इसका एक वर्जन बताया जा रहा है 17 इंच के व्हील में भी आने वाला है, लेकिन करंट में जो लॉन्च होगा इंडिया में 16 इंच का व्हील वाला हाइब्रिड पावर ट्रेन सिस्टम होगा, जो कि 32 का माइलेज आपको देगा। निश्चित रूप से बिल्कुल आप कह सकते हैं 100% न्यूज़ है आपके लिए, जेन्यून। और इस सिस्टम में खास बात ये होगी दोस्तों, जैसे ही इलेक्ट्रिक मोटर का चार्जिंग समाप्त होगा ऑटोमेटिकली गाड़ी पेट्रोल से चलने लगेगी, यानी ड्यूल ऑटोमेटिक सिस्टम होंगे दोनों। जैसे ही वहाँ पर हाइब्रिड सिस्टम फुल चार्ज होगा, ऑटोमेटिक गाड़ी उस पर ट्रांसफ़र हो जाएगी पेट्रोल सिस्टम से, यानी कि आपका पेट्रोल सेविंग स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद में ऑटोमेटिक पेट्रोल पर आ जाएगी, आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो पावर की तो प्रॉब्लम की कोई बात ही नहीं है, और किसी तरह की कोई टेंशन की भी बात नहीं है। अन्य फीचर्स की बात करें दोस्तों, ऑटोमेटिक पेट्रोल से चलने वाला सिस्टम होगा हाइब्रिड का, ड्यूल कैमरा इस गाड़ी में आपको मिल सकता है दोस्तों, क्रूज कंट्रोल मिलेगा, यानी एक्स्ट्रा फीचर्स आपको गाड़ी में मिलने वाला है। इसके अलावा वेंटिलेटेड ड्राइवर सीट की बात करें या अन्य फीचर्स में दोस्तों, अगर आप बात करें पैडल शिफ्टर्स है, हाँ एक थोड़ा सा इसमें लेंथ वगैरह भी आपके साथ हम शेयर कर देते हैं, जो इन्फॉर्मेशन अपडेट हुई है मारुति की तरफ से दोस्तों। इसकी लेंथ है 3840 की लेंथ होने वाली है, विड्थ होने वाली है 1695, और हाइट की बात करें 1500, व्हील बेस होगा 2450। यानी कि बिल्कुल आपने अगर ये गाड़ी एक बार देखी होगी हमारे चैनल पर, तो आपको ऑटो एक्सपो से एक शॉर्ट वीडियो शेयर की गई थी, अगर आपने नहीं देखी है तो आप वह वीडियो भी जरूर देखिए अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए। और दोस्तों खास बात है, अगर आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हैं, यानी आप सब्सक्राइबर बन चुके हैं, हमारे फैमिली के मेंबर हैं, तो आप चेक कीजिए कि आपने बेल का आइकॉन क्लिक किया है या नहीं किया है, और उस पर ऑल नोटिफिकेशन सेट कर लीजिए अगर आपने ये नहीं किया है, क्योंकि दोस्तों अगर ऐसा नहीं होगा तो आप जो भी हम वीडियो अपलोड करते हैं आपको सूचना नहीं मिलेगी, और एज ए VIP कस्टमर आप सबसे पहले वीडियो नहीं देख पाएंगे। तो सबसे पहले अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो बेल का आइकॉन भी जरूर क्लिक कीजिए। इसके बाद में दोस्तों खास बात यह है कि बात चल रही है जो स्विफ्ट की, इसमें नेक्स्ट गाड़ी भी, इसका नेक्स्ट जनरेशन मॉडल भी आने वाला है, वो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। वैसे यही गाड़ी आने के बाद में मार्केट में आप समझ सकते हैं बहुत टफ कंपटीशन होने वाला है स्टार्ट सभी कंपनियों के लिए, और ख़ास तौर से ऐसी गाड़ी जब मारुति की हो तो बिल्कुल धमाका ही होता है। मारुति क्या करती है आप जानते ही हैं। तो दोस्तों ये है लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन इस गाड़ी के बारे में, अन्य सिस्टम भी आपके साथ हम शेयर कर देते हैं क्या क्या फीचर्स इस गाड़ी में आपको मिलने वाले हैं। सबसे पहले सेफ्टी फीचर्स की बात करते हैं, जैसे कि ABS है, EBD है यानी एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम है, या इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है, या ब्रेक असिस्ट तो आप जानते हैं स्विफ्ट के ओल्ड वर्जन में भी मिलता है, ड्यूल एयरबैग्स भी मिलेंगे, साथ ही पावर चाइल्ड लॉक आपको मिलने वाला है, ISO फिक्स चाइल्ड सीट माउंट भी इस गाड़ी में आपको मिलेगा। अन्य फीचर्स भी सेफ्टी के सभी इंक्लूड होने वाले हैं। एडवांस इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो इस गाड़ी में बिल्कुल एडवांस इंफोटेनमेंट सिस्टम होगा, टच स्क्रीन 4 स्पीकर सिस्टम होगा, साउंड का ज़बरदस्त सिस्टम होने वाला है, और इसके अलावा USB चार्जर है, और पॉसिबल है इसमें आपको वाईफाई चार्जिंग की फैसिलिटी भी एडवांस गाड़ियों की तरह मिले, क्योंकि आप जानते ही हैं अन्य कंपनियां भी इस बारे में काम कर चुकी हैं, बल्कि ऐसी गाड़ियां लॉन्च कर चुकी हैं जो कि इस रेंज में भी, यानी कि बिल्कुल इस सेगमेंट में जिसमें मारुति आती है इसके अंदर भी दे रही हैं वो आपको वाईफाई चार्जिंग सिस्टम। तो ये भी पॉसिबल है आपको इस गाड़ी में दोस्तों मिल जाएगा। वैसे इसका लॉन्चिंग इवेंट्स भी जब होगा फुल वीडियो आपके साथ शेयर की जाएगी, अगर आप वह भी देखना चाहते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करें, लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर साथ ही बेल का आइकॉन दबाएं, बस इतना करना है और आप चैनल से जुड़ जाएंगे और लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप देखते रहेंगे ऑटोमोबाइल सेक्टर की सबसे पहले। साथ ही दोस्तों आपको बेनिफिट होगा, आप जब भी कोई क्वेरी होगी आपकी ऑटोमोबाइल सेक्टर के बारे में तो आप कमेंट्स में लिखिए, तुरंत आपकी क्वेरी का आंसर दे दिया जाएगा 100% 6 to 24 hours के अंदर। इसके अलावा अगर आप यूज्ड गाड़ियों की इन्फॉर्मेशन भी चाहते हैं तो वो भी आपको हमारे चैनल पर दोस्तों मिलती रहेगी। और इसके अलावा दोस्तों जो भी लेटेस्ट अपडेट आते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर के, वो आपके साथ हम इसी चैनल पर शेयर करते रहते हैं। और आपके जो सजेशन है या नेक्स्ट टाइम आप इस गाड़ी का लाइव रिव्यू और डिटेल्स जानना चाहते हैं एनी ब्रांड्स, तो वो भी आप कमेंट्स में लिखते रहें ताकि आपके
इन्फॉर्मेशन के आधार पर हम आपके लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी आप कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखिए और अपने सभी उन फ्रेंड्स को शेयर कीजिए जो कि मारुति की गाड़ियां पसंद करते हैं। दोस्तों इसमें खास बात है कि इस गाड़ी में एडवांस लुक के साथ साथ इसका इंटीरियर एक्सटीरियर सभी कुछ चेंज करने के बाद में एडवांस सेफ्टी भी दी गई है। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।